Good morning, students. Let us know about genetically modified organisms. सबसे पहले जो genetically modified bacterium बनाया गया 1973 में, 1974 में इसी टेक्निक को माइस के ऊपर अप्लाई किया गया, 1994 में सबसे पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड उनको बनाया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ ए नंबर ऑफ यूजफुल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो यूज़ है साइंटिफिक रिसर्च में है, कृषि के क्षेत्र में है, तकनीकी क्षेत्र में है। इम्प्लांट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज़ बीन अप्लाइड टू इम्प्रूव द रेजिलियंस, न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड ग्रोथ रेट ऑफ क्रॉप्स सच एज पोटैटोज, टोमेटोज एंड राइस। तो ये जो मैंने आपको बताए, पोटैटोज, आलू, टोमेटोज, टमाटर, राइस, चावल और बहुत सारी क्रॉप्स हैं, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, उनके ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं। इन एनिमल्स इट हैज़ बीन यूज टू डेवलप शीप दैट प्रोड्यूस ए थेरेप्यूटिक प्रोटीन इन देयर मिल्क दैट कैन बी यूज टू ट्रीट सिस्टिक फाइब्रोसिस और वर्म्स दैट ग्रो इन द डार्क टू अलाउ साइंटिस्ट टू लर्न मोर अबाउट डिजीज सच एज अल्जाइमर्स।